अभी बैठे हैं व्हीकल के अंदर और अब आपको दिखाता हूँ कि क्विक एक्सेलरेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हमें कितनी ज़्यादा पावर मिलती है। अभी एक बार इसकी देखते हैं टॉप स्पीड को रीच करके, और यहाँ पर आप देखेंगे ये मैंने एक्सेलरेट किया और 20, 30 और ये 40, 48, 52, 53, 54 और 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है, जिसे व्हीकल आसानी से रीच कर लेता है। कितने छोटे से ट्रैक पर यहाँ पर व्हीकल ने अपनी टॉप स्पीड को रीच कर लिया, तब आप इससे समझ सकते हैं। और एक बार देखिए 2.9 मीटर का टर्निंग रेडियस क्या होता है, ये देखिए कट भी वहाँ तक है और मैंने इसे यहीं पर इसे टर्न कर दिया, क्योंकि भाई साहब यहाँ पर 2.9 मीटर का टर्निंग रेडियस मुझे इस व्हीकल के साथ में मिलता है। ये देखिए ये है 2.9 मीटर का टर्निंग रेडियस, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा छोटा यहाँ पर है। और अब चलते हैं एक बार दोबारा से, आपको दिखाता हूँ व्हीकल की टॉप स्पीड। तो ये एक्सेलरेट मैंने किया 30, 40, 45, 50 और ये 53, 54, 55 किलोमीटर पर आवर जो कि इस व्हीकल की टॉप स्पीड रहती है। उसके बाद में ब्रेकिंग, ये देखिए भाई साहब ब्रेकिंग, ये होती है ब्रेकिंग एकदम जीरो पर। तो ये है व्हीकल की ब्रेकिंग, सस्पेंशन वगैरह, हैंडलिंग बहुत ही प्यारी व्हीकल की यहाँ पर रहती है। ये देखिए किसी भी तरह के रास्तों पर, ये देखिए गड्ढा आया, बिल्कुल फ्रंट सस्पेंशन तो इतने ज़्यादा आरामदायक है कि पता ही नहीं लगता। ये देखिए पता ही नहीं लगता कि भाई गड्ढे आए, बहुत ही ज़्यादा फ्रंट सस्पेंशन तो बहुत ही सॉफ्ट है यार, बहुत ही प्यारे हैं, एकदम शॉक एब्जॉर्बर है, बिल्कुल ही झटका आता है एकदम एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और स्पीड बहुत कमाल की है भाई स्पीड, क्योंकि होगी क्यों नहीं इतनी कमाल की यार। इसमें बड़ी बैटरी पैक है, बड़े साइज की मोटर है और 8 किलोवाट की पावर है, 43 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, तो वो दिखाई तो देगा ना, तो वही चीज़ दिखाई देती है रोड के ऊपर जब हम इसे राइड करते हैं कि कितने कमाल की पावर और बाकी सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। उसके बाद में भाई पावर जो है ना, ये देखिए मैंने क्विक एक्सेलरेट किया और बूस्ट मोड में अभी तुरंत स्पीड पहुँच जाती है भाई 30-40 तुरंत ही। और ब्रेकिंग भी कमाल की है, अच्छी ब्रेकिंग है। सस्पेंशन ये देखिए आप, छोटा सा गड्ढा है इसमें, देखिए बिल्कुल यार स्मूथ, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा यार, इससे ज़्यादा मुझे गाड़ी में अपनी फील होते हैं गड्ढे, लेकिन इस व्हीकल के अंदर बहुत ही कम फील हो रहे हैं, पता नहीं क्या रीज़न है उसका। बहुत ही प्यारे सस्पेंशन यार इस व्हीकल के अंदर इस्तेमाल किए गए हैं सच में। और स्पीड बहुत अच्छी है, टॉप स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर की है, वरना अक्सर थ्री व्हीलर्स में हमें टॉप स्पीड बहुत ही कम देखने के लिए मिलती है। अभी आप देख रहे हैं किस तरीके का रास्ता, और बैलेंसिंग देखिए, स्टेबिलिटी देखिए व्हीकल की, कि कोई भी परेशानी नहीं हो रही है, मज़े से आराम से बैठा हूँ मैं, ऐसा नहीं है कि पलट जाएगा व्हीकल कुछ भी है, क्योंकि विड्थ व्हीकल की अच्छी है और हाइट इतनी भी ज़्यादा नहीं रखी है, तो उसकी वजह से एक थोड़ा सा अच्छा इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी डिसबैलेंस नहीं होता जो आप देखेंगे इस सेगमेंट में, या फिर इससे नीचे सेगमेंट में जो व्हीकल्स आते हैं थ्री व्हीलर्स, उनमें बहुत जल्दी डिसबैलेंसिंग केस हो जाता है, तो इसमें आपको वो चीज़ देखने के लिए नहीं मिलेगी। और अभी देखिए 35-36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर मैं राइड कर रहा हूँ, और कितनी अच्छी मुझे यहाँ पर यार मतलब राइड क्वालिटी मिल रही है ना, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं एक इतने मतलब थ्री व्हीलर को राइड कर रहा हूँ, इतनी प्यारी मुझे इसमें एक तो अच्छे फिनिश यहाँ पर इसके एक्सटीरियर में इंटीरियर में इस्तेमाल की गई है, कि मतलब लगता ही नहीं है कि कोई थ्री व्हीलर यहाँ पर मैं राइड कर रहा हूँ इस सेगमेंट का, काफ़ी ऊपर के सेगमेंट का लगता है। बाकी रोड पर लेकर के आ चुके हैं हम एक बार इसे, अच्छी विजिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं इसके साइड मिरर्स, अभी मुझे प्रॉपर साइड व्यू दिख रहा है, दोनों साइड से मैं देख सकता हूँ, ऊपर की तरफ नहीं दिया गया है, आप लगवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो मुझे दिए गए हैं साइड मिरर्स, अच्छी विजिबिलिटी मुझे दोनों साइड से प्रोवाइड कर रहे हैं। और सारा सेटअप इंटीरियर में किस तरीके का है, एकदम बड़े साइज़ की विंड स्क्रीन यहाँ पर दी गई है, तो भाई इंटीरियर मुझे सच में बहुत ही प्यारा यहाँ पर लगा। अभी हम कट लेंगे और 2.9 मीटर के टर्निंग रेडियस का एक बार देखेंगे क्या लाभ है, तो ये है जी लाभ, ये देखिए कितनी आसानी से छोटे से स्पेस के अंदर व्हीकल, ये देख रहे हैं ना, मैं उस लेन तक नहीं गया, मैं इसी लेन में पूरा यहाँ पर टर्न हो चुका हूँ, और वहाँ पीछे कुछ और व्हीकल्स थे जो कि बहुत वहाँ तक चले गए, तो 2.9 मीटर का टर्निंग रेडियस यहाँ पर दिखाई देता है। और पावर की बात करूँ, 8 किलोवाट की पावर, 42-43 न्यूटन मीटर का टॉर्क है, जिसकी वजह से यहाँ पर देख रहे हैं ना, मैं फास्ट लेन के अंदर अभी चल रहा हूँ और कितनी अच्छी मुझे स्पीड मिल रही है, देख रहे हैं मेरे बराबर में बाइक चल रही है और ये मुझसे पीछे यहाँ पर रह जाती है,
तो टॉप स्पीड भाई क्यों नहीं पीछे रहेंगी बाइक्स, यहाँ पर 55 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड हमें इस व्हीकल में देखने के लिए मिलती है। तो किसी भी तरह के रास्तों पर मैं इसे लेकर के चलता हूँ ना, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं होती है कि मुझे किसी को ओवरटेक करना है, या फिर अगर अच्छा रास्ता है, अच्छा हाईवे है, तो वहाँ पर कि मैं उस लेन में जाकर चल रहा हूँ, या तो स्पीड लेन या फिर इस सेकंड लेन के अंदर मैं आसानी से व्हीकल को राइड कर लेता हूँ, क्योंकि स्पीड जो है व्हीकल की वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहती है। देखेंगे किस तरीके से मैं ओवरटेक अभी व्हीकल्स को यहाँ पर कर रहा हूँ। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे जो कॉन्फिडेंस मिल रहा है, ये सिर्फ मुझे महिंद्रा के इसी व्हीकल के अंदर देखने के लिए मिला, वरना इस सेगमेंट के अगर इलेक्ट्रिक रिक्शाज को मैं देखता हूँ तो वहाँ पर भाई नहीं मिलती हैं ये चीज़ें। वहाँ पर बहुत ही 20-25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिल रही है, कस्टमर भी भाई चिक चिक करके उतर जाते हैं कि यार क्या स्पीड है। हम खुद अगर कहीं जाते हैं तो हमें इस तरह के व्हीकल्स में नहीं बैठते कि बहुत धीरे चलेंगे, फिर हम प्रीफर करते हैं कि सीएनजी रिक्शाज में बैठ जाएं। लेकिन इस व्हीकल के साथ में क्या है कि सीएनजी रिक्शाज को भी ये पीछे छोड़ देता भाई, क्योंकि स्पीड इतनी कमाल की है और बैलेंसिंग वगैरह, ब्रेकिंग सभी चीज़ें बहुत ही प्यारी हैं। और सबसे बड़ा एक इशू ये हो जाता है कि मान लीजिए मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय कर लेता हूँ कि भाई पूरी रात चार्जिंग पर मैंने व्हीकल लगा रखा है और सुबह को मैं राइड कर रहा हूँ तो रेंज कम मिल रही है, पूरी रात चार्जिंग पे था। सिर्फ साढ़े चार घंटे में ये व्हीकल 0 से 100% चार्ज हो जाता है, और उसके बाद में रेंज जो देता है मैं 150 किलोमीटर की भाई, वो सच में अनबिलीवेबल यहाँ पर रहती है, क्योंकि इतनी रेंज अभी मार्केट के अंदर कोई और इस सेगमेंट में इस प्राइस पॉइंट पर नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो 150 किलोमीटर की सिंगल चार्ज में रेंज है, और ये ओनर क्लेम्ड रेंज की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि व्हीकल प्रोवाइड करता ही करता है। अगर मैं देखता हूँ कि ARI क्लेम्ड रेंज के बारे में, तो वो 167 किलोमीटर या फिर 170 किलोमीटर की आपको रहती है ARI क्लेम रेंज, लेकिन यहाँ पर हम ओनर क्लेम रेंज की बात करते हैं जो कि हमें व्हीकल देगा ही देगा। इसके अलावा दो मोड दिए गए हैं, बूस्ट मोड और इको मोड। अभी बूस्ट मोड के अंदर मैं व्हीकल को राइड कर रहा हूँ, इसके अलावा इको मोड भी यहाँ पर दिया गया है, ये मैंने शिफ्ट कर दिया है इसे इको मोड के अंदर। तो यहाँ पर थोड़ा एक्सेलरेशन डाउन हो जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, जिसकी वजह से व्हीकल पावर की क्या है थोड़ी सी बचत कर लेता है, इनिशियल टॉर्क प्रोवाइड व्हीकल को नहीं करता है। और यहाँ पर आपको इको मोड में ही आपको ज़्यादातर इसे राइड करना होगा, आपको ज़्यादा एग्रेसिव ड्राइव तो इसके साथ नहीं करनी है, एक कॉमर्शियल व्हीकल है। तो वहाँ पर ये देखेंगे अभी भी मुझे इको मोड के अंदर भी 35 किलोमीटर, 36, 37, तो 38 और 39, यानी कि अराउंड मोटा मोटा देखें तो 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड मुझे इको मोड के अंदर भी देखने के लिए मिल जाती है, जिस स्पीड को ये जल्दी से रीच नहीं करता। वो देखिए एक और महिंद्रा ट्रियो गया, तो सड़क पर बाइक चल रहे हैं, काफ़ी लोग भरोसा कर रहे हैं, क्योंकि भरोसे लायक व्हीकल है भी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर मैटर करती हैं। और अभी जिस रास्ते पर हम हैं, यहाँ पर अभी हम चल रहे हैं, तो 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर अभी चल रहे हैं, कैबिन आपके सामने है, स्टेबिलिटी और बाकी जो विजिबिलिटी है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों साइड, सिर्फ मुझे अपनी गर्दन को ऐसे करना है और मुझे अच्छा खासा दोनों साइड से व्यू मिल जाता है। बाकी बड़े साइज़ का विंड ग्लास यहाँ पर है, लेग रूम काफ़ी शानदार है। पूरे दिन अगर मुझे इस व्हीकल को राइड करना है ना, तो मैं पूरे दिन भी राइड कर सकता हूँ। अब आप एक चीज़ देखिए कि 150 किलोमीटर की मैं आपको रेंज बता रहा हूँ ना, वो आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। आप देखिए कि 55 किलोमीटर मैं इस व्हीकल को रन कर चुका हूँ अभी तक, यानी 55 किलोमीटर मैंने इस व्हीकल को अभी तक चला दिया। सुबह से मैं इस व्हीकल को राइड कर रहा हूँ, आप समझ रहे हैं कि लोकल एरिया के अंदर 55 किलोमीटर चलाना कितनी बड़ी बात है व्हीकल को, वो भी एक इलेक्ट्रिक व्हीकल को। तो मैं इसे सुबह से राइड कर रहा हूँ स्पीड लिमिट के अंदर, और 55 किलोमीटर तक मैं इसे रन कर चुका हूँ, और अभी भी ये बैटरी मुझे कितनी शो कर रहा है, 100 किलोमीटर की मुझे अभी रेंज शो कर रहा है कि 100 किलोमीटर अभी ये और चलेगा, और 55 मैं इसे राइड कर चुका हूँ। तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि रेंज व्हीकल में जो है ना, वो बिल्कुल भी झूठी नहीं बताई गई है। जितनी आपको रेंज में बता रहा हूँ इतनी आपको ओनर क्लेम्ड रेंज है ये, तो ये आपको व्हीकल प्रोवाइड करेगा ही करेगा। अभी बूस्ट मोड थोड़ा सा लगा देते हैं, क्योंकि थोड़ा इस व्हीकल को मुझे ओवरटेक करना था। तो ये देख सकते हैं ये मैंने आसानी से कर लिया ओवरटेक, और स्पीड पहुँच गई 47 किलोमीटर पर आवर की। तो ये जो भरोसा है ना ये, और भाई राइड क्वालिटी सच में बहुत प्यारी यहाँ पर मुझे लग रही है। कैबिन में अच्छा स्पेस, अच्छा कंफर्ट यहाँ पर है, और पीछे बैक सपोर्ट दी गई है, अच्छा नी रूम है, कंफर्ट सीट में अच्छा कंफर्ट यहाँ पर मुझे मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें मुझे जो मिल पाई हैं वो महिंद्रा ट्रियो में ही मिल पाई हैं।